नीट मामले की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर सुनवाई शुरू हो गई है। 40 याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है और परीक्षा दोबारा कराई जाए, याचिकाकर्ता का ये कहना है। तो देखिए, बीते दिनों से नीट का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। इस पूरे मामले पर 40 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा दोबारा से कराई जाए। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी सीधा। अमृत, जिस तरह से इस मामले पर अब सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग रही है कि दोबारा जो है नीट का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो धांधली हुई है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित नहीं रही है, वो देश के अन्य हिस्सों में गई है और ये बड़े पैमाने पर हुई। जबकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया, जो कि सरकार और एनडीए का पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से वकील का कहना है कि ये जो परीक्षा हुई, इसमें धांधली की बात सामने आ रही, वो एक सीमित क्षेत्र तक है। कुछ क्षेत्रों तक उसको एक डिलिमिट किया गया है, जिसमें हजारीबाग, पटना और जैसे गोधरा का नाम आ रहा है। तो इसमें ये उनकी तरफ से दलील है कि इतने बड़े पैमाने पर यह नहीं हुआ है, जिससे कि पूरे के पूरे जो एग्जाम में जो लड़के बैठे थे, 24-23 लाख से ज्यादा बैठे थे, उनके भविष्य को जो है फिर से दोबारा दाव पे लगाया जाए। इनमें से जो परीक्षार्थी पास में जो 1.5 लाख से ज्यादा है, उनके लिए सबसे ज्यादा संकट का विषय बन जाएगा। लेकिन अब इसी बात पे दलील चल रही है कि क्या परीक्षा बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है या फिर स्पेसिफिक डायरेक्ट। बिल्कुल अमृत, तो अब ये सुनवाई चल रही है, अब आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ निर्देश जारी करता है। बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी के लिए आपका।